अदत याचना से संबंधित हमने कुछ प्रश्न देखे। अब अगर हम बात करें अग्रिम याचना की, जैसे कि नाम से स्पष्ट है अग्रिम, यानी पहले ही दे दिया, अभी तक कॉल नहीं किया गया है लेकिन जो अंशों की जो राशि है उसको पहले ही हमने प्राप्त कर लिया, ड्यू हुआ नहीं लेकिन रिसीव हो गई। तो यहाँ पर कुछ अंशधारी ऐसे होते हैं जिनसे कंपनी अभी तक अंशों की राशि मांगी नहीं है कंपनी ने और पहले ही उन्होंने दे दी, तो ये जो कंडीशन बनती है ये अग्रिम याचना की कंडीशन कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि एक अंशधारी जो है उससे केवल आवंटन की राशि मांगी गई थी लेकिन उसने कुछ अंशों पर याचना की राशि को भी आवंटन की राशि के साथ दे दिया। तो याचना की जितनी राशि को, जितने अंशों की राशि को उसने आवेदन के आवंटन के साथ दे दिया, उतनी ही जो राशि है वो यहाँ पर अग्रिम याचना कहलाएगी। अब अगर हम बात करें अग्रिम याचना पर ब्याज की, तो जैसे हम अदत याचना पर ब्याज लगाते हैं वैसे हम अग्रिम याचना पर ब्याज देते भी हैं, तो यहाँ पर एक नियम के अनुसार 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। और प्रविष्टि की अगर हम बात करें तो क्योंकि अग्रिम याचना है पहले से ही प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ पर हम बैंक खाता डेबिट अग्रिम याचना खाता से इस प्रकार की प्रविष्टि करते हैं। कुल मिलाकर किस किस कंडीशन में कौन कौन सी प्रविष्टियाँ यहाँ पर की जाती हैं, आइए इसको देखते हैं। अग्रिम याचना एवं देय ब्याज की दशा में अग्रिम याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, याचना की राशि प्राप्य यानी कि ड्यू होने पर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, अग्रिम राशि का समायोजन करने पर याचना की शेष राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कॉल्स अकाउंट, अग्रिम राशि पर ब्याज देने पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ब्याज की रकम को लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करने पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो आपने देखा कि अग्रिम याचना की स्थिति में किस प्रकार की पंजी प्रविष्टियां की जाती है। अब आइए देखते हैं अग्रिम याचना पर आधारित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को। 1 मार्च 2000 को एक्स लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 समता अंशों का एक निर्गमित किया जिसकी राशि इस प्रकार दी थी, आवेदन पर 2 रुपए, आवंटन पर 3 रुपए, प्रथम व अंतिम याचना पर 5 रुपए, आवंटन के 3 माह बाद। सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। एक अंशधारी जिसके पास 20 अंश थे ने आवंटन की राशि के साथ प्रथम तथा अंतिम याचना का भुगतान कर दिया और एक अंशधारी जिसके पास 30 अंश थे ने आवंटन की राशि का भुगतान नहीं किया किंतु उसने इसका भुगतान प्रथम व अंतिम याचना के साथ कर दिया। संचालकों ने निश्चित किया कि सारणी एफ के अनुसार आदत याचना पर ब्याज लगाया जाएगा तथा अग्रिम याचना पर ब्याज दिया जाएगा। कंपनी के पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां दीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि अग्रिम याचना और अदत याचना दोनों ही प्रकार के व्यवहार यहाँ पर किए गए हैं और क्योंकि दोनों पर ब्याज लगाया जाता है तो दोनों ही याचनाओं पर हमको ब्याज की एंट्री भी यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ जब हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे तो कौन कौन सी प्रविष्टियां होंगी। पहली हमारी जब एप्लीकेशन की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक खाता डेबिट समतांश आवेदन खाता से, और यहाँ हम नरेशन लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 पर, क्योंकि यहाँ पर 10,000 इक्विटी शेयर है और एप्लीकेशन जो अमाउंट है वो एक एप्लीकेशन पे ₹2 है तो ये अमाउंट हमारी हो जाएगी 20,000। अब इस 20,000 की अमाउंट जो हमने रिसीव की है एप्लीकेशन पे, इस अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ हमारी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 20,000 से एंट्री हम करेंगे। उसके बाद हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो हम देखते हैं कि अलॉटमेंट के पहले हम ड्यू की एंट्री करते हैं और उसके बाद हम रिसीव की एंट्री करते हैं, तो ड्यू की एंट्री में तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ हमारी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और ये जो एंट्री होगी वो 10,000 शेयर से ही होगी। यहाँ हम नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर, तो ये अमाउंट हो जाएगी 30,000।
अब हमको बहुत सावधानी से देखना है कि कहां पर कॉल इन एरियर है और कहां पर कॉल इन एडवांस। तो हम फिर से एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट के टाइम ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पेमेंट कर दिया, लेकिन 30 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो ये दो चीजें हमको यहाँ पर एडजस्ट करनी है। पहली बात तो हम ये देखेंगे कि ओवरऑल अलॉटमेंट पे कितना मिला है हमको। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है वो है 10,000 इक्विटी शेयर। इसमें से हम माइनस कर देंगे 30 जिसने अलॉटमेंट की राशि का भुगतान नहीं किया, और प्लस कर देंगे 20, इसमें से हम माइनस कर देंगे 30 क्योंकि उसने अलॉटमेंट की राशि का भुगतान नहीं किया है। तो यहाँ हम मानेंगे कि केवल 9,980 शेयर होल्डर्स ने ही अलॉटमेंट की राशि का भुगतान किया है, यानी कि 9,030 शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट की राशि का भुगतान नहीं किया, यानी कि 9,970 शेयर होल्डर्स ने ही अलॉटमेंट की राशि का भुगतान किया है। यानी हम यहाँ पर जब एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तो यहाँ अलॉटमेंट वाले में हम अमाउंट लिखेंगे 9,970 को मल्टीप्लाई करके 3 से, क्योंकि अब अलॉटमेंट के जो अमाउंट है वो 3 रुपीज पर शेयर है। तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर 29,910 रुपीज। दूसरी बात, हमको यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस भी दिखाई दे रहा है और वो कितने शेयर्स पे है, तो 20 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल की अमाउंट भी दे दी गई है। तो क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 20 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो 5 रुपीज है उसके अकॉर्डिंग ये कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट जो है वो 100 रुपीज हो जाएगी। तो टोटल जो बैंक में अमाउंट आएगी वो इन दोनों का टोटल यानी कि 30,010 रुपीज आएगी। और यहाँ जब हम नरेशन लिखेंगे तो वहां पर हम स्पष्ट कर देंगे बीइंग द रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी एट द रेट ऑफ रुपीज 3 ऑन 9,970 शेयर एंड कॉल्स इन एडवांस मनी ऑन 20th शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 5 पर शेयर। अंशों पर आवंटन की राशि 9,970 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से प्राप्त एवं 20 अंशों पर 5 रुपए के हिसाब से प्रथम याचना की राशि अग्रिम प्राप्त। अब जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना होगा कि ड्यू की जो एंट्री होगी उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन रिसीव की एंट्री में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो ड्यू की जब हम एंट्री करेंगे तो वो हो जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग द अमाउंट ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 5 पर शेयर एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो यहाँ हम 10,000 को 5 रुपीज से मल्टीप्लाई करके 50,000 इसकी अमाउंट लिख देंगे। लेकिन जब रिसीव की एंट्री करेंगे तो रिसीव की एंट्री में क्या चेंजेस आएगा, यहाँ हमको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि हमने इसमें से कुछ अमाउंट अलॉटमेंट के दौरान पहले से यानी कि अग्रिम भुगतान हमने यहाँ पे कर दिया है। अब उसको यहाँ पर हमको शो करना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए, इसलिए हमारी एंट्री यहाँ पर चेंज हुई है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन हम यहाँ पर लिख लेंगे बीइंग द अमाउंट रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 9,980 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 5 पर शेयर एंड कॉल्स इन एरियर ऑफ अलॉटमेंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है क्योंकि उसमें से 20 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट दे दी थी, तो अब वो दोबारा नहीं देंगे। यानी कि 10,000 शेयर में से हम 20 शेयर को माइनस करेंगे और 9,980 इंटू 5 करेंगे तो ये अमाउंट हमारी आ जाएगी 49,900। और अलॉटमेंट के टाइम हमने जो पहले से 30,000 के एक ऐसे शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने आवंटन की राशि का भुगतान नहीं किया था, लेकिन अब वो दे रहे हैं प्रथम याचना और अंतिम याचना के साथ दे रहे हैं, तो 30 शेयर होल्डर पर जो आवंटन की राशि थी 3 रुपए वो और हमको यहाँ पर प्राप्त हो रही है फर्स्ट कॉल के साथ, तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 30 × 3 90 रुपीज से। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट हो जाएगी 49,900
अलॉटमेंट की अमाउंट हो जाएगी 90,000 और टोटल बैंक में जो अमाउंट हो जाएगी वो जाएगी 49,990। अब क्योंकि यहां पर हमको कॉल्स इन एडवांस की एंट्री करनी है, जो कि हमने देखा था कि 20 जो शेयर्स थे उसपे 5 रुपीज पहले से दे दिए गए, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे कॉल्स इन एडवांस की फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और ये क्योंकि हम एडजस्टमेंट की एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ हम नरेशन में लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस अगेन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 100 रुपीज क्योंकि हमने वहां पर देखा था कि हमने एडजस्ट किया था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो इसके अमाउंट हम 100 रुपीज यहाँ पर एंट्री करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो कॉल्स इन एडवांस पे भी है और कॉल्स इन एरियर पर भी है। कॉल्स इन एडवांस में हमको उसको पे करना है, कॉल्स इन एरियर में हमको उससे लेना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 100 रुपीज जो है वो कॉल्स इन एडवांस है, और क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि ये 3 माह बाद जो है देय है, तो 3 महीने का 3 मंथ का हम इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो कि सारणी एफ को फॉलो करते हुए हमको बनाना है। और सारणी एफ ये कहती है कि इस तरह के जो ड्यूज होते हैं उस पर 6% पर एनम जो होता है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन के लिए, इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए लिखेंगे 100 × 6 × 3 डिवाइडेड बाय 12 × 100। तो ये ₹1.50 जो होंगे वो इसके इंटरेस्ट हो जाएंगे, जिसकी एंट्री हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ₹100 फॉर 3 मंथ एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉल्स इन एरियर भी था, तो कॉल्स इन एरियर हम देख रहे हैं कि ₹90 था, इस पे भी हमको 3 मंथ का और 5% जो इंटरेस्ट है वो हमको यहाँ पर रिसीव होगा। तो यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे 90 × 5 × 3 / 12 × 100, ये हो जाएगा 1.13। और यहाँ पर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर ₹90 फॉर 3 मंथ एट द रेट ऑफ 5% पर एनम रिसीव। तो ये ₹1.13 यहाँ पर हम जो कॉल्स इन एरियर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है उसके अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है कि जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि इस टेबल एफ को हमको वहां पर फॉलो करना है, तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर तय करेंगे। तो अदत्त याचना और अग्रिम याचना से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में हमने जाना। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु जो इसके साथ साथ शामिल हो जाता है वो है अल्प अभिदान, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन। एक ऐसी स्थिति जबकि कंपनी ने जितने अंशों को निर्गमित किया, जितने अंशों को कंपनी निर्गमित करना चाहती है उतने अंशों के लिए आवेदन कंपनी को प्राप्त नहीं होते हैं। कई बार कंपनी की साख अच्छी ना होने के कारण और या मार्केट की स्थिति खराब होने के कारण या देश की आंतरिक दशाओं से बहुत से कंडीशन होते हैं जबकि कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है उससे कम अंशों के लिए आवेदन मिलते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है वो कंपनी के लिए अल्प अभिदान कहलाती है। यहाँ पर जो प्रविष्टियाँ की जाती है वो आवेदित अंशों के आधार पर की जाती है, यानी कि भले ही कंपनी ने ज़्यादा अंशों के लिए निर्गमन के लिए प्रविधान जारी किया हो लेकिन वास्तव में जितने अंशों के लिए आवेदन मिला है केवल उतने ही अंशों की राशि पर जो कैलकुलेशन है पंजी प्रविष्टि की जो अमाउंट है उसकी पोस्टिंग की जाती है। आइए अल्प अभिदान पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। अमिता लिमिटेड ने ₹10 वाले 8000 अंश जनता में निर्गमित किए परंतु आवेदन केवल 6000 अंशों के लिए आए। इन पर राशियां निम्न प्रकार देय थी, आवेदन पर ₹20, आवंटन पर ₹40 तथा शेष याचना पर देय थी। सभी राशियां यथासमय प्राप्त हो गई। कंपनी के पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि अंश जो जनता को निर्गमित किए गए थे वो 8000 थे लेकिन एप्लीकेशन केवल 6000 शेयर के लिए आए हैं। इसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन यानी कि अल्प अभिदान कहते हैं। तो अल्प अभिदान वाले प्रश्नों में किस प्रकार हम इस राशि को समायोजित करते हैं और किस तरह की एंट्रीज हम पास करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ फर्स्ट एंट्री हमारी जब एप्लीकेशन की हम करेंगे तो क्योंकि हमने
8000 शेयर्स यहाँ पर निर्गमित किए थे, लेकिन एप्लीकेशन केवल 6000 शेयर्स के आए। तो जितने शेयर के एप्लीकेशन आएंगे केवल उतने ही शेयर्स पर हमको एप्लीकेशन की मनी रिसीव होगी। तो यहाँ हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 6000 शेयर। तो ये हो जाएगी अमाउंट आपकी 6000 इंटू 20, 1,20,000। अब इस 1,20,000 के अमाउंट को हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और इस समय हमारी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। यहाँ पर किसी प्रकार का कि एंट्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अमाउंट कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8,000 से मल्टीप्लाई करें कि 6,000 से। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जितने के लिए हमको एप्लीकेशन मिला है उसी से फिर हमको कैलकुलेशन करके अमाउंट लिखनी है। उसके बाद अलॉटमेंट की हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6000 के लिए ही एप्लीकेशन आए हैं तो 6000 को ही हम अलॉट करेंगे। अब 8000 से हमको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन हमारे पास सिर्फ 6000 के लिए है। तो जितनी भी हम एंट्रीज करेंगे सब में जो अमाउंट करेंगे वो 6000 से करेंगे। तो 40 रुपीज अलॉटमेंट पे था और 6000 शेयर है तो 2,40,000 इसकी अमाउंट हो जाएगी रिसीव। अब ये ड्यू अब ये जो अलॉटमेंट की अमाउंट है ड्यू अमाउंट है वो जब रिसीव होगी तो हमारी एंट्री होगी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव और 2,40,000 से अमाउंट रिसीव होगी। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 6000 शेयर। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि शेष राशि जो है वो याचना पर देय है, इस तरह की जानकारी दी गई है। टोटल हम देखते हैं कि एक जो शेयर था वो 100 रुपीज का था, इसमें से 20 एप्लीकेशन पे चले गए, 40 अलॉटमेंट पे चले गए। तो 40 प्लस 20 हम माइनस करते हैं अगर 100 में से तो 40 रुपीज जो है वो बचता है, यानी कि ये जो बचा हुआ 40 रुपीज है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर रिसीव हो जाएगा। तो जब हम ड्यू की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे 6000 × 40, 2,40,000 और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 6000 शेयर। फिर रिसीव की हम एंट्री यहाँ पर करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव और 2,40,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे और यहाँ पर अमाउंट कॉलम को हम 12 लाख से क्लोज कर देंगे।